नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं इसके लाइव। जैसे कि पूजा परिक्रमा आज हम कर रहे हैं और आपको तमाम पंडालों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो लोग सिलीगुड़ी में जाम में बाहर नहीं निकलना चाहते, गाड़ी से परेशान हो जाते हैं और ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, वो लोग घर पे बैठ के पूजा देखते हैं, तो उनके लिए आज इसके लाइव यहाँ पर आप सभी को पूरे पूजा पंडाल की परिक्रमा करवा रहे हैं, सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी क्रम में जैसे हमने बड़े पंडालों की तस्वीरें आपको दिखाई, एक और पंडाल है जो हालांकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी सजावट ही बहुत ही बड़ी है और बहुत ही सुंदर तरीके से सजावट किया गया है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिलीगुड़ी के बांधव संघ क्लब में हम आ पहुँचे हैं और यहाँ पर छोटे छोटे दिए से और यहाँ पर जो है हाथ पंखा जिसे हम कहते हैं बिना वो है, और इसके साथ ही यहाँ पर गमछा, लाल गमछे से यहाँ पर पंडाल को सजाया गया है और बहुत ही यूनिक एक पंडाल तैयार किया गया है। यहाँ पर पंडाल के थीम क्या है या फिर इसके बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, उस बारे में हम जानेंगे। हम पहले माता की जो मूर्ति है वो दिखाना चाहेंगे। एक माता की मूर्ति को भी एक बंगाली स्वरूप दिया गया है, बहुत ही एक आकर्षक माता की मूर्ति यहाँ पर तैयार की गई है। और आपको ये देखकर पूरा जो ये कहा जाता है कि दुर्गा पूजा बंगालियों का त्यौहार होता है, उसकी पूरी झलक आपको इस पूजा पंडाल में देखने को मिल जाएगी। किस प्रकार से पूजा पंडाल साधारण चीज़ों से लेकिन बहुत ही एक अद्भुत पूजा पंडाल तैयार किया गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि माता की मूर्ति अगर आप देखेंगे तो माता की मूर्ति देखकर ही आपको समझ में आएगा कि माता को बंगाली स्वरूप में तैयार किया गया है। ज़्यादा चमक धमक नहीं, लेकिन माता साधारण रूप में भी बहुत ही आकर्षक लग रही है। उसकी तस्वीर हमने जैसे आपको दिखाई, पूरे पंडाल की सजावट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर छोटे छोटे अल्पना दिखाई पड़ेंगे आपको और इसके साथ ही दीपक दिखाई पड़ेंगे आपको, और ये असली मिट्टी के दिए से ये सजावट की गई है। हम आपको बता दें कि हालांकि दीपक जो है इसमें वो लाइटिंग की है, लेकिन मिट्टी के जो दिए हैं वो असली मिट्टी के दिए हैं, तो कहीं ना कहीं हाथों से बनाई गई चीज़ों का यहाँ पर कारीगरी आपको इस पंडाल में देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करें गमछा की, अगर हम बात करें पंखे की, हाथ पंखे की, और जिस प्रकार से लाइटिंग की गई है, ऊपर अल्पना कुछ दिखाया गया है, बहुत ही एक अलग पूजा पंडाल यहाँ पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही पूरी पूजा पंडाल अगर आप जैसे कि देखा जाता है ना कि बंगालियों का त्यौहार दुर्गा पूजा कहा जाता है, तो इस पंडाल के थ्रू ये पूरा बताया गया कि जी हाँ, बंगाल में बंगालियों का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्लब के सदस्य से हम बात करेंगे, जानेंगे इस बार क्या कुछ उद्देश्य इस पंडाल के पीछे रखा गया है, क्या कुछ खास थीम सोचकर या फिर क्या कुछ खास संदेश सोचकर इस पंडाल को बनाया गया है। हम क्लब के सदस्य से बात करेंगे और जानेंगे। नमस्ते, मैं चिन्मय शाह, सिलीगुड़ी बांधव संघों का मैं सेक्रेटरी हूँ। 1948 से हम लोगों को ये पूजा चल रहा है, तो हम लोगों को इस बार पूजा का जो आकर्षण है वो ग्राम बांग्ला का जो लोक संस्कृति है उसके ऊपर में बेस करके हम लोग ये पूजा बनवाए। इसमें जो जो चीज़ हम लोग अप्लाई किए है, देखिएगा, आप देख सकते हैं कि पाखा, गामछा, हाँ, सब जो गाम जो एक्चुअली में ग्रामों जो विलेज का जो पूजा होता है उसमें जो जैसा टाइप का यूज़ करते हैं उसी टाइप का हम लोग यूज़ किए हैं। जैसे कि बंगाल में कहा जाता है कि बंगालियों का दुर्गा पूजा उत्सव होता है, तो इस थीम को कहीं ना कहीं ये पंडाल जो है उसका पूरा अनुभव करवाता है लोगों को। हाँ, पूरा अनुभव करवाता है। एक्चुअली में आज हम लोगों का पूजा ओपनिंग होगा, जो सिलीगुड़ी का जो मेयर है गौतम देव, उनका हाथों से प्रज्वलित होके हम लोगों का पूजा आज ओपनिंग होगा। उसके साथ में डेप्यूटी मेयर रहेगा, बोरो कमेटी का चेयरमैन मिली सिन्हा भी रहेगा, और विशिष्ट जो व्यक्ति वर्ग है सभी लोग रहेगा इस पूजा में। और कल से हम लोग आशा करते हैं कि सिलीगुड़ी आप हमार जनसाधारण जो है सब लोग हमारा पिछला साल से जो देखा जा रहा है कि बहुत सारी लोग बाहर का लोग भी हम लोगों को पूजा देखने में आते हैं। हम लोग आशा कर रहे हैं कि इस बार भी बहुत सारी लोग हमारा पूजा देखेंगे और जो पूजा का मजा लेंगे। और इस बार माता की मूर्ति, हम लोग और एक चीज बताना चाहेंगे कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी से हम लोग इधर में भोजन करवाते हैं। जो जो बाहर का आदमी लोग आता है, जो भी है गरीब लोग होता है जो है, उनका हाथों में कुछ हम लोग उठा देते हैं, साड़ी वगैरह सब कुछ उठा देते हैं। हम लोगों को समस्त अनुजाई जो जो चीज करना है सब करते हैं हम लोग। ब्लड डोनेशन कैंप भी हो गया हम लोग का रिसेंटली। और हम लोगों को खाली पूजा नहीं है,
सारा साल से हम लोगों को एक्टिविटीज रहता है, समाज सेवा काम करते हैं, खेलाधुला में पार्टिसिपेट करते हैं, सभी वर्ग में। माता की मूर्ति भी बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत आकर्षक है, हम जानना चाहेंगे उस बारे में। इसमें वो जो विलेज का जो ग्रामों का जो हाँ विलेज जो है लोक संस्कृति के ऊपर में पेंडल के साथ में उसको मान्यता दे के हम लोग ने ऐसा करके बनाया है। कहाँ से मूर्ति का? हम लोग कुमार टोली से बनवाया है। तो इस वर्ष पूजा कितने वर्ष में प्रवेश किया? इस बार 77 ईयर्स हो रहा है हम लोगों को, 1948 से हम लोगों को चलना शुरू हुआ, इस बार 77 ईयर्स है। हम लोग आशा करते हैं कि सिलीगुड़ी का जो पीपल्स है और बाहर का जो नागरिक है सब हम लोगों को पूजा देखने में हम लोगों को पेंडल में आएंगे, मजा लेंगे और दुर्गा पूजा उत्सव हम लोग अच्छा तरीके से मनाएंगे। जरूर ग्राम बांगला की अगर तस्वीर आप देखना चाहते हैं तो कहाँ आना होगा हमको? सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी कॉलेज का बैक साइड में पड़ता है, सिलीगुड़ी बांधव संघ हाकिम पाड़ा सुभाषपल्ली का जेसी बोस रोड में पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी, आप लोग आके इधर में हम लोगों को। जैसा कि एक हमने बहुत ही अलग पंडाल देखी, जहाँ को देखकर जिसको देखकर आपको भी समझ पे आ रहा होगा कि ये ग्राम बांगला की सच में एक तस्वीर है, जहाँ माता की मूर्ति सबसे ज़्यादा आकर्षक है, सबसे ज़्यादा अलग है। और यहाँ की जो सोच है ग्राम बांगला की सोच, जहाँ पे गमछे से पंखा से और ये जो मिट्टी के दिए हैं, ये असली मिट्टी के दिए हैं, इसमें लाइटिंग की गई है और इस प्रकार से एक अद्भुत पंडाल तैयार किया गया है यहाँ पर बांधव संघों की तरफ से। हम चाहेंगे कि आप भी एक बार यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। क्लब की दुर्गा पूजा अंदर जाएंगे, दिखाएंगे आपको किस प्रकार से यहाँ पर पूजा परिक्रमा के दौरान हम आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं और भी अन्य पंडालों की तस्वीरें दिखाएंगे और पहले भी दिखा चुके हैं। इसी क्रम में हम आ पहुंचे सिलीगुड़ी के आश्रम पाड़ा में। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो पूजा पंडाल की तैयारी है फॉर्म से की गई है और इसके साथ ही यहाँ पर पीतल के कुछ जो है बर्तनों जैसे उपयोग किए गए हैं। उसके साथ ही हम यहाँ पर लाइटिंग की अगर बात करें, साथ सजावट की अगर हम बात करें, तो कैरी बैग की तरह जो कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं बैग बनाने के लिए, उनसे और फॉर्म से ये पंडाल को तैयार किया गया है। बहुत ही एक सुंदर यहाँ पर पंडाल तैयार किया गया है JTS क्लब, जातीय तरुण संघ क्लब के द्वारा। हम यहाँ पर अंदर जाएंगे और पंडाल की तस्वीरें तो आपको दिखा ही रहे हैं, इसके साथ ही अब माता की मूर्ति के दर्शन भी आपको करवाएंगे। हम आपको बता दें कि ये पूरे पंडाल को जो है कैरी बैग के जो कैरी बैग बनाने के लिए जो कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं उससे बनाया गया है। इसके साथ ही फॉर्म से पूरे पंडाल को बनाया गया है और फॉर्म से कैरी बैग के कपड़े से इस तरीके से पंडाल को तैयार किया गया है कि जो लोगों को बहुत ही आकर्षक कर रहा है। आज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आमतौर पर सप्तमी के दिन से जो है पूजा परिक्रमा शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर जो है लोग आज से ही घूम रहे हैं यहाँ पूजा पंडाल में। हम तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर देख पा रहे हैं और इसके साथ ही एक भव्य पंडाल यहाँ पर JTS क्लब द्वारा तैयार किया गया है। जातीय तरुण संघ क्लब की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम माता दुर्गा की बात करें तो माता दुर्गा का स्वरूप जो है वो खुद में ही एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। इसके साथ ही एक प्रतिमा हम आपको दिखा रहे हैं, जो प्रतिमा लोगों को बहुत ही मनमोहक करेगी और बहुत ही सुंदर माता की प्रतिमा यहाँ पर लग रही है। एक भव्य पंडाल तैयार किया गया है। इसी के साथ हम लोगों की बात करें तो लोगों की भीड़ आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से लोग आज से ही पूजा घूमना शुरू कर चुके हैं और इसी क्रम में हम अलग अलग पंडालों की तस्वीर तो आपको दिखा ही रहे हैं। अभी हम आ पहुंचे हैं सिलीगुड़ी के आश्रम पाड़ा JTS क्लब, जातीय तरुण संघ क्लब में। यहां के क्लब के सदस्य से भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्लब का जो है पंडाल का थीम उद्देश्य क्या है, किन चीज़ों से पंडाल को तैयार किया गया है। तो अभी हम फिलहाल चलेंगे क्लब के सदस्य से बात करने के लिए। इस तरीके से इस बार भव्य पंडाल तैयार किया गया है। पंडाल तो बहुत दिन से ही चालू हुआ है, ये संपूर्ण एकदम फोम है। इसमें हम लोग कोई जो थर्मोकोल है वो सब कोई यूज़ नहीं हुआ है, फोम कपड़ा उसके बाद पीतल का सब आइटम है, पीतल का जितना भी प्रदीप होता है ना, प्रदीप ये सब देके बनाया हुआ है। कितना अलग ये आइडिया आया था कि इस तरीके से पंडाल तैयार किया जा सकता है? देखिए हर साल ही तो हम लोग थोड़ा यूनिक कुछ लाने की कोशिश करते हैं, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा ही हुआ था, सबका व्यू तो अच्छा ही था। इस साल भी बहुत पहले से यही परिकल्पना था कि कुछ नया देंगे, क्योंकि सारा सिलीगुड़ी में ज़्यादातर थीम का ऊपर ही सब बेस करके ज़्यादातर पंडाल बनाते हैं, तो हम लोग थोड़ा थीम छोड़ के थोड़ा हटके जो साबे की जो रहते उसमें हम लोग रहते हैं हम सब। जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है सप्तमी के दिन से लोग घूमते हैं, लेकिन आज पंचमी के दिन से ही पाँचवा दिन है और आज नवरात्रि के पाँचवें दिन से ही लोगों की भीड़ पंडाल में देखी जा रही है। हाँ हाँ, ये तो जो कलकत्ता में चालू हुआ है, कलकत्ता में तो और दो दिन तीन दिन पहले ही चालू हो जाता है, आजकल सिलीगुड़ी में ये ट्रेंड है, तृतीया चतुर्थी से ही चालू हो जाता है, काल भी था भीड़।
आप क्या कहेंगे दर्शक जो देख रहे हैं उनको इस पंडाल में विजिट करने के लिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो पूरा उत्तर बंगवासी को हम लोग शारदीय का जो शुभेच्छा है वो जान बोल रहे हैं, और सबको हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि आने के लिए हम लोग का पंडाल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। यहाँ पे माहौल भी बहुत बढ़िया है, हम लोग का जो रोड में हम लोग का जो रोड लाइट होता है वो भी बाहर से आते हैं, चंदन नगर से आते हैं। ये हम लोग का फेमस बहुत, मन हम लोग कम से कम 40 साल से जो ये रोड लाइट होता है ये हम लोग चंदन नगर से आता है रोड लाइट। कारीगर कहाँ के इस बार? ये सब कारीगर मेदिनीपुर का ही है, लेकिन जो इसका जो आर्टिस्ट है ये सिलीगुड़ी का ही है। माता की मूर्ति की अगर हम बात करें तो बहुत ही आकर्षक एक मूर्ति हमने देखी, ये मूर्ति भी हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से ये मूर्ति है। ये मूर्ति देखिए हम लोगों का ये ट्रेडिशन रहा, हम लोग कलकत्ता का कुमारटुली से लाते, लेकिन इस बार हम लोग थोड़ा कलकत्ता का कुमारटुली से हम लोग नहीं लाए, इस बार हम लोग यहीं का शिल्पी है वो बनाया है, लेकिन जो मूर्ति बनाया एकदम कलकत्ता का जो कुमारटुली का जो मूर्ति होता है एकदम उससे अच्छा ही बनाया, कम तो नहीं है। कितने वर्ष में प्रवेश किया है इस बार यहाँ JTS क्लब का? इस बार हम लोगों का 57th ईयर है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर जो है यहाँ पर हर चीज बारीकी से की गई है, साज सजावट से लेके माता की मूर्ति सब कुछ पे बहुत ही अहम ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही जो JTS क्लब है हर साल एक नई नई जो है यहाँ का पूजा पंडाल लेके आती है, लेकिन हम जहाँ पर देखते हैं कि अन्य पंडाल जो है थीम के बेसिस पे होते हैं, वहीं यहाँ पर कोई थीम ना रख कर भी एक भव्य पंडाल तैयार किया गया है। अन्य पंडालों में भी हम जाएंगे, वहाँ की भी सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तब जैसा कि हम सिलीगुड़ी रातखोला स्पोर्टिंग क्लब में आ चुके हैं, यहाँ पर इस बार का थीम है स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि की तस्वीर हमने पहले भी जब यह तैयार हो रहा था तब भी आपको दिखाई थी, और एक बार फिर से हम आ चुके हैं यहाँ पर रतखोला स्पोर्टिंग क्लब की तस्वीर आपको दिखाने के लिए। हालांकि पंडाल कल पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा, लेकिन दर्शकों की भीड़ आज भी देखने लायक है। अभी भी जो दर्शक है वो आ रहे हैं, और हम आपको समय बता दें कि रात के 11 बज रहे हैं और अभी भी दर्शकों का आना पंडाल में जारी है। हम आपको एक बार बनावट की बात करें तो नारियल की रस्सी से किस प्रकार से पंडाल, दुर्गा पूजा पंडाल और स्वर्ण भूमि का पंडाल तैयार किया जा सकता है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा दें। पूरी सजावट जो है इसकी वो नारियल की रस्सी से की गई है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बहुत ही एक सुंदर स्वर्ण भूमि की तस्वीर दिखाई गई है, बहुत ही एक भव्य पंडाल तैयार किया गया है। ऊपर की सजावट की अगर हम बात करें, झूमर की सजावट की अगर हम बात करें तो झूमर की सजावट भी जो है नारियल के रस्सी से ही की गई है। नारियल की रस्सी का उपयोग एक पंडाल को बनाने के लिए किस प्रकार से किया जा सकता है उसकी साफ झलक आप स्वर्ण भूमि यानी कि रतखोला स्पोर्टिंग क्लब के माध्यम से देख पा रहे होंगे, और इसके अंदर माँ दुर्गा के जितनी रूप दिखाए हम आपको कम पड़ते हैं। उसी के साथ एक और भव्य माँ दुर्गा का दिखा रहे हैं हम आपको इस कलर के माध्यम से। माँ दुर्गा की सजावट, जिस प्रकार से माँ दुर्गा की सजावट की गई है, माँ दुर्गा की प्रतिमा को निखारा गया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि तमाम दर्शकों की भीड़ है जो माँ दुर्गा के इस आकर्षक रूप को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है, और हम आपको बता दें कि बहुत ही भव्य पंडाल है, और जितना भव्य ये पंडाल है उतनी ही भव्य माँ दुर्गा की प्रतिमा है। इसी के साथ हम अगर ऊपर के सजावट की बात करें तो नारियल की रस्सी से ही ऊपर की सजावट भी की गई है। नारियल की रस्सी का उपयोग किस प्रकार से एक भव्य पंडाल, स्वर्ण भूमि के पंडाल को तैयार करने के लिए किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। क्लब के सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, क्लब के सेक्रेटरी से हम बात करेंगे, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस बार यहाँ पर भव्य पंडाल तैयार किया गया है। तो सिलीगुड़ी स्पोर्टिंग यहाँ पर रतखोला स्पोर्टिंग क्लब में हम मौजूद हैं, और यहाँ पर हम जानेंगे इनसे कि क्या होगा इस बार का थीम, क्या है स्वर्ण भूमि, कितना खास होने वाला है, कहाँ से ये आइडिया आया था इनके दिमाग में। नमस्ते, मेरा नाम सोना चक्रवर्ती, क्लब का सदस्य हूँ। 59 ईयर्स रतखोला स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा का हुआ है, तो इस साल हम बहुत सोच समझ के ये स्वर्ण भूमि का प्लान यहाँ पे लाए हैं। 59 साल से सिलीगुड़ी रतखोला स्पोर्टिंग क्लब टाइटेनिक कारगिलिंग जैसा प्रोग्राम यहाँ से दिया हुआ, उस टाइम जितना भीड़ हुआ हम लोग सोचते हैं कि इस बार उससे बहुत बहुत सारे ज़्यादा भीड़ होगा। तो देखिए रतखोला स्पोर्टिंग क्लब हर साल नया नया कार्यक्रम यहाँ पे लाते हैं, इस साल इस थीम का जो हमारा आर्टिस्ट जो है ये सभी आर्टिस्ट लोग मेदिनीपुर से आया, और जो मेन आर्टिस्ट है वो सिलीगुड़ी का ही है, वो हमको एक थीम दिखाया जो वेस्ट जो नारियल रस्सी वाला है, नारियल रस्सी जो वेस्ट है फेंक देता है डस्टबिन में दे देता है,
उससे इतना सुंदर काम होता हम कभी नहीं सोचा है। इसलिए इस बार का धमाका हमारा उत्तर बंगाल में सर्वश्रेष्ठ होगा, यही हमारा मन में लगता है। आपका मन में क्या लगता है ये तो आपका विचार। जैसे देखा जाता है सप्तमी के दिन से पूजा परिक्रमा पूजा घूमना लोग शुरू करते हैं, लेकिन इस बार आज नवमी के पांचवें दिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ हम देख रहे हैं दर्शकों का। रात के 11 बजे भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार? आज चतुर्थी है, काल तृतीया लास्ट डे हमारा तृतीया था, ओपनिंग हुआ पूजा पंडल का। उस दिन से आज तक जितना आदमी इधर आया क्या बोलूँ, सिलीगुड़ी कहीं पंडल में इतना ज्यादा भीड़ नहीं है। आदमी लोग सोचता है स्वर्ण भूमि किया है, लोग देखने जाएंगे। आप देखिए बाहर में कितना ज्यादा भीड़ है, हम तो पहले ही बोल दिया ज्यादा से ज्यादा भीड़ लास्ट ईयर जितना था छापा कर जाएंगे सब, यही हमारा। दर्शकों को क्या कहेंगे इस पंडाल में आने के लिए? आप लोग आइए, हमारा पैंडल देखिए, लास्ट ईयर में जितना सहयोग किया हमको इस बार में भी किया है, आपको धन्यवाद देना सर। और क्या दूंगा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने जाना कि स्वर्ण भूमि थीम के पीछे की कहानी क्या थी और स्वर्ण भूमि थीम का मतलब उद्देश्य क्या था और किस प्रकार एक वेस्ट नारियल की रस्सी जिसे हम फेंक देते हैं उस प्रकार से उस नारियल की रस्सी से यहाँ पर एक भव्य पंडाल तैयार किया गया। इसी के साथ भव्य माता की मूर्ति यहाँ पर रखी गई है और हम यहाँ पर जो है दर्शकों से भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन से ही वो चतुर्थी के दिन से ही उन्होंने घूमना स्टार्ट कर दिया, उन्हें कैसा लग रहा है? नमस्ते। खूब सुंदर, हम बांग्लाई बोलती, আমি খুব অভিভূত। মানে প্রতিবারই এইখানকার ঠাকুর ভীষণ ভালো হয় আর আমরা খুব খুশি এইবারে এসেও। এখনো তো পুরোটা সজ্জিত হয়নি, তো মায়ের মুখখানা অসাধারণ হয়েছে, অসাধারণ, মুগ্ধ হয়ে গেছি দেখে। जैसे कि हमने दर्शकों से बात की, जाना उन्होंने कि बहुत अच्छा लगा उनसे, और हम ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। उसके पहले हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी की ये जो हम पूजा परिक्रमा कर रहे हैं वो पूजा परिक्रमा एसके लाइव के द्वारा स्पॉन्सर्ड बाय लक्की मोबाइल जोन की तरफ से किया गया है। तो सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। कैन यू बिलीव दिस, क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल ₹50 कुरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़ सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furniture's with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. क्या आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए बेहतर भविष्य? तो सुनिए, मयूर स्कूल सिलीगुड़ी और मेयो कॉलेज अजमेर लाए हैं इंटेलेक्ट क्वेस्ट। क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर, 40% तक की स्कॉलरशिप पाएं ट्यूशन फीस पर। रजिस्टर करें 10 अक्टूबर 2024 तक। 20 अक्टूबर 2024 को होगा परीक्षा। मयूर स्कूल उत्तर बंगाल और सिक्किम का सर्वश्रेष्ठ बोर्डिंग स्कूल। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं हर बच्चे को एक स्टार। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 9046972823। इंटेलेक्ट क्वेस्ट, आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। के तपाईं सिलीगुडीमा व्यापार गर्न सोच्नुहुँदैछ? त्यसो भए व्यापारको नयाँ उचाइ लिएर आइरहेको छ द्वारिका ओरियन, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ 5 तले भवनमा 10 अत्याधुनिक व्यावसायिक स्थानहरू, जहाँ तपाईँले वास्तु कम्प्लेन्ट, 24/7 सेक्युरिटी, लिफ्ट, लबी आदि सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले आज नै बुकिङ गर्नुहोस् र तपाईँको व्यवसायलाई नयाँ उचाइमा लाने अवसर प्राप्त गर्नुहोस्। द्वारिका ओरियन, नियर कोर्टयार्ड बाई माछियट, हिलकार्ड रोड, सिलीगुडी। 8069220660। नागाल्यान्ड स्टेट डियर पूजा बम्पर 2024 लटरी, पहिलो पुरस्कार 5 करोड ग्यारेन्टी।
सेलिब्रेट 2.5 करोड़ को 2 बटा पुरस्कार। टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 12 अक्टूबर। पहला पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। डियर पूजा बम्पर 2023 मा 5 करोड़ विजेता राजपाल के तपाई हुनुहुन्छ यस पालीको करोडपति। पंडाल की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। किस प्रकार यहाँ पर बहुत ही बारीकी से कारीगरी की गई है वो हम आपको दिखाएंगे। तमाम जानकारियाँ हम अलग अलग पंडाल की आपको दे रहे हैं। इसी प्रकार हम आप पहुंचे सिलीगुड़ी के कॉलेज पारा पूजा कमेटी में। यहाँ पर हर साल एक नई थीम और हर साल एक नए उद्देश्य के साथ पूजा पंडाल तैयार किया जाता है। इस बार भी एक विशेष पूजा पंडाल को लेकर यहाँ पर जो है पूजा की थीम तैयार की गई है, पूजा का पंडाल तैयार किया गया है। हम तमाम जानकारी आपको दिखाएंगे, इसी के साथ हम तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे पूजा पंडाल की। जिस प्रकार से यहाँ पर पूजा पंडाल तैयार किया गया है, एक खूबसूरत तस्वीर, एक खूबसूरत रंग, एक खूबसूरत संदेश देने की कोशिश यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉलेज पारा पूजा कमेटी द्वारा किया गया है। इसके साथ हम आपको तमाम जानकारी इस पूजा थीम के बारे में भी देंगे, कितना खास है इस बार का यह पूजा और कितनी खास यहाँ की कविताएं कहानियां को उल्लेख इन चित्रों के माध्यम से किया गया है। उनकी जो उनके जीवन काल की जो संस्कृति थी उसको दिखाया गया है। इसके साथ हम आपको दिखा देंगे यहाँ पर रविन्द्रनाथ कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की यहाँ पर एक तस्वीर, एक झलक है जो कहीं ना कहीं समाज में शांति की जो है तस्वीर को एक बार फिर से उजागर करने के लिए इस बार सिलीगुड़ी कॉलेज पारा पूजा कमेटी लेकर आया है। और हम आपको बता दें कि इस तरीके की हर साल हर पूजा में यहाँ पर कॉलेज पारा पूजा कमेटी एक अलग ही संदेश लेकर पूजा मंडप तैयार करता है। उसी क्रम में हम उसी तस्वीर को आपके समक्ष रखने के लिए इस बार आ पहुँचे हैं सिलीगुड़ी के पूजा पंडाल में। यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉलेज पारा पूजा कमेटी की पूजा दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ कार्य अभी भी है, जैसे कि प्रतिमाओं का अभी भी सजावट किया जा रहा है। माँ दुर्गा को और भी उभारने के लिए, उनके रूप को और भी उभारने के लिए अभी भी यहाँ पर कला का प्रदर्शन आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार किया जा रहा है। इसके साथ और भी हम यहाँ पर चारों तरफ पंडाल की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे जो सिलीगुड़ी कॉलेज पारा पूजा कमेटी हर साल एक नया थीम के साथ पूजा तैयारी करता है। अगर हम यहाँ पर कारीगरी की बात करें तो सब कुछ हाथों से कारीगरी की गई यहाँ पर चीजें नजर आ रही है। हाथों की सजावट, हाथों की जो हुनर होते हैं लोगों के, वो यहाँ पर बखूबी दिखाया गया है। इसके साथ हम आपको बता दें कि कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की हमने यहाँ पर छवि देखी, उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति का बनाया हुआ देखा। अब हम जाएंगे थीम की जानकारी, जिस प्रकार ये थीम तैयार किया गया है इसका उद्देश्य क्या था वो जानने के लिए हम जानेंगे कि यहाँ पर जो कमेटी के सदस्य हैं हम उनसे जाने कि किस प्रकार से ये थीम लाया गया है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कॉलेज पारा पूजा कमेटी हर साल कुछ ना कुछ नया करता है और हर साल लोग यहाँ की पूजा को बखूबी बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। पिछले बार जो है यहाँ पर जो है टाना रिक्शा एक थीम लेकर आया गया था, जो दिखाया गया था कि पुराने जमाने में किस प्रकार लोग हाथों से रिक्शा खींचते थे और उस बार भी वो पूजा थीम जो है इनका बहुत ही हिट हुआ था। इस बार फिर से एक बार यहाँ पर पूजा का जो थीम है वो बहुत ही अनोखा है और पूजा पंडाल की जो तैयारी है वो भी बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बखूबी, बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। हम यहाँ पर क्लब के सदस्य को ढूंढ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा दें किस प्रकार से यहाँ की साज सजावट और बनावट इस पूजा पंडाल की थीम को बहुत ही अलग बनाता है। जैसा कि अभी हमारे साथ यहाँ पर क्लब के सदस्य जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस बार का थीम क्या है, कितना खास होने वाला है इस बार का थीम यहाँ पर। यहाँ पर हमारे साथ क्लब के सदस्य जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे इस बार का कॉलेज पारा कमेटी क्या थीम लेकर आया है, कितना खास है। आपका नाम जयदीप शर्मा। क्या
कमेटी का इस बार थीम शांति निकेतन, टोटली शांति निकेतन बेस है। और अल्बुना जो है अभी मोटामोटी और ये लोग इतना नहीं पसंद करता है, नया जो हमारा जेनरेशन है उसमें अल्पना का थोड़ा सा क्रेज बनाने के लिए हम निकेतन अल्पना अपना हिसाब से यहाँ पे करके दिखाया। और एक चीज यहाँ पे दिखाया जो आप पीछे दिख रहा है कि जो हार्ट है ये सोना जुड़ी हार्ट है शांति निकेतन का स्पेशल दिन का स्पेशल हार्ट इसमें सारा महिला लोग अपना सामान खुद बेचता है, तो हम वही थोड़ा सा दिखाने का कोशिश किया बस और कुछ नहीं। जैसा कि कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जो भी उन्होंने सीख दी थी हमें, हम लोग कहीं ना कहीं वो भूल गए, आज का जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं भूल गए। यहाँ पे हमने उनकी भी तस्वीर, उनकी भी झलक देखी है पूरे पूजा पंडाल में, तो इसके माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? मतलब हमारा नेक्स्ट जेनरेशन कम से कम अल्पना को, और अल्पना एक सब्जेक्ट है जो शांति निकेतन में स्पेशल कोर्स है, इसका कोर्स होता है, तो इसके बारे में जानकारी ज़्यादातर उत्तर बंगाल में तो ये जानकारी बिल्कुल है ही नहीं। ये संदेश हम इसीलिए पहुंचना चाहते हैं कि ये भी एक अच्छा कला है और इसको भी अच्छा तरीका से पेश करने से बहुत, मतलब बहुत ऊपर तक चला जाएगा, ये भी मेरा संदेश है। सिलीगुड़ी कॉलेज पड़ा पूजा कमेटी हर साल एक अलग टीम लेके आता है जो टीम जो है समाज को एक ना एक संदेश देता है, तो अभी जो दर्शक है उनको पूजा पंडाल परिदर्शन के लिए क्या कहना चाहिए? हम तो बोलेगा कि सबको आना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये जो काम यहाँ पे हुआ है सारा स्टूडेंट लोग मिलके किया है और सारा अल्पना बेस है, मेरे को लगता है कि सबको देखना चाहिए ये वाला काम। ऐसे तो सप्तमी से सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा घूमना शुरू होता है, लेकिन आज पांचवें दिन से ही बहुत ज्यादा भीड़ देखी जा रही है पूजा पंडाल में। ये शुरू से ही, मतलब शाम को 4 बजे जब गेट खुला तब से ही सेम भीड़ है, अभी अंदर में जितना है ऐसा ऑल टाइम मतलब है, अभी लग रहा है कि इस बार अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो जिस प्रकार से यहाँ पर हमने बात की और जाना कि सिलीगुड़ी कॉलेज पारा इस बार जो है बहुत ही एक खास थीम लेकर आएगा, और हम चाहेंगे कि आप भी इस थीम को जाने, इसके पीछे के संदेश को जाने और इस पंडाल में आए, इस पंडाल का लाभ देखें क्या कुछ इस पंडाल में कलाकृति की गई है और किस उद्देश्य के साथ इस पंडाल को तैयार किया गया है, आपको भी जानना जरूरी है। बहुत ही अच्छा थीम और एक बहुत ही अच्छा संदेश लेकर आया है इस बार सिलीगुड़ी संघ श्री क्लब। हम आपको बता दें कि चिड़िया को किस प्रकार से कैद कर रखा जाता है, उनको खुले आसमान में छोड़ना चाहिए। जो तस्वीर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि खुले आसमानों में चिड़िया जितनी अच्छी लगती है वह पिंजरे में कैद होकर नहीं लगती, उसकी साफ तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। और ये बहुत ही एक खूबसूरत, इसकी हम बात करें तो बहुत ही एक खूबसूरत संदेश यहाँ पर संघश्री क्लब के द्वारा दिया जा रहा है। हम इसको सामने से भी चाहेंगे कि दिखाएं। जिस प्रकार हर घर में अब देखा जाता है कि चिड़िया पक्षी को कैद रखा जाता है, उन्हें खुले आसमान के नीचे जो है छोड़ दिया जाए, इसके लिए आज इस बार संघश्री क्लब जो है बहुत ही खास एक थीम लेकर आया है। हम अगर पंडाल के अंदर की बात करें तो पंडाल के अंदर की तस्वीर भी कुछ उसी प्रकार हमें दिख रही है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर संघश्री क्लब का थीम जो है इस बार पक्षियों को, बर्ड्स को जो है केंद्रित करके किया गया है। जैसे कि जिस प्रकार देखा जाता है कि पक्षियों की संख्या कमती जा रही है दिन प्रतिदिन, इसीलिए संघश्री क्लब इस बार संदेश दे रहा है कि अपने घरों में जो है पक्षियों को पिंजरे में कैद ना रखें, उन्हें खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाए। तो इसी की थीम को लेकर बहुत ही एक अच्छा संदेश, बहुत ही एक अच्छा पंडाल यहाँ पर संघश्री क्लब द्वारा दिखाया गया है। अन्य पंडालों की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, और भी पंडाल है जिनका परिदर्शन हम आपको करवाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक बहुत ही आकर्षक माँ दुर्गा की प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हम माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को देखते हैं, अलग अलग स्वरूपों के बारे में जानते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर माँ दुर्गा की एक और आकर्षक, एक और खूबसूरत मूर्ति प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि हम क्लब के सदस्य से बात करें, जाने कि किस प्रकार से इस बार यहाँ पर संघश्री क्लब पूजा की तैयारी में जुटा और किस प्रकार से यह थीम, किस संदेश के साथ यह थीम लेकर आया है सिलीगुड़ी संघश्री क्लब। तो हम जानेंगे कि इस बार सिलीगुड़ी संघश्री क्लब क्या थीम लेकर आया है। जैसा कि हमने जाना कि थीम जो है वो तो पूरा पक्षी और बर्ड्स के बारे में, जिस तरीके से बताया गया कि उन्हें जो है पाए 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 जुनी नहीं सकता।
तो जिस प्रकार से इस बार संघश्री क्लब जो है यहाँ पर थीम लेकर आया है, हम उस थीम के बारे में बात करेंगे। हमारे यहाँ पर क्लब के सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्ते। आपका नाम? हमारा नाम शुभपाल दत्त। इस बार बहुत ही अलग थीम लेकर आया है सिलीगुड़ी संघश्री क्लब, क्या कहेंगे इस बारे में? আমরা প্রতি বছরই কিছু না কিছু নতুন চমক নিয়ে আসি, এবছর তার ব্যতিক্রম কিছু নয়। শিলিগুড়ি সংঘর্ষে এবারের থিম থাকবো না কো বদ্ধ করে দেখবো এবার জগৎটাকে। এখানে মূলত আপনারা যেরকম একটা সুন্দর পরিবেশ দেখছেন, পাখি দেখছেন, সেই সাথে দেখবেন দাঁড়া মেলে একটি মেয়ে ঘরের বাইরে বেরোতে চাইছে। এবং আমাদের কনসেপ্টটা মূলত হচ্ছে যে একটি মেয়ে যাতে নিরাপত্তার সাথে বাইরে বেরোতে পারে, সে নিরাপত্তা চায়। সে চায় রাত্রিবেলা টিউশন থেকে যখন বাড়ি ফিরবে কোনো গার্জিয়ানের সাথে না, সে একাই ফিরতে পারবে। তার কোনো তার মনের মতো কোনো ভয় থাকবে না যে সমাজের যারা কোনো ওষুধ দ্বারা সে তার নির্যাতনের শিকার হবে। তো সেই কারণেই সে নিরাপত্তা পরিবেশ কাম্য, এবং এটা আমাদের সকলের সচেতনতার মাধ্যমে সেটা গড়ে উঠতে পারে। এবং সেই কারণেই শিলিগুড়ি সংঘশ্রী এবারের থিম থাকবো না তো বদ্ধ করে দেখবো এবার জগৎটাকে, যাতে এই অজস্র পাখি আছে সবাই কিন্তু ঘরের বাইরে, তারা ভয় পাচ্ছে না কোনো শিকারি, তারা ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে। সেরকম আমাদের ঘরে আমারও মেয়ে আছে, প্রত্যেকেই চায় যে বাইরে সে স্বাধীনভাবে নিরাপত্তার সাথে ঘুরে বেড়াতে, আশেপাশে যাতে তার কোনো ভয় না তাকে গ্রাস করে। এটাই সংস্কৃতির এবারের কনসেপ্ট। কী জিনিসগুলো দিয়ে তৈরি হয়েছে পুরো পান্ডালটা? আমাদের পুরো প্যান্ডেল এখানে বলেছি, এবার আরেকটা কথা বলি যে আমাদের কনসেপ্ট যেহেতু থাকবো না কো বদ্ধ ঘরে দেখবো বা জগৎটাকে, এমন একটা জগৎ যেখানে কোনো পরিবেশ দূষিত মানে পরিবেশ দূষণটা যাতে না থাকে। কারণ আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখছি, বিশেষ করে শিলিগুড়িতে এবছর যা গরম পড়েছে, সব কিন্তু দূষণের কারণে। তো এরকম গাছপালা আমরা চাই, আমরা চাই সেই মুক্ত পরিবেশ, মুক্ত বায়ু, প্লাস্টিকহীন, থার্মোকলহীন একটা শুদ্ধ পরিবেশ। এবং সেই কারণে শিলিগুড়ি সংঘটি পুরো মণ্ডপ সম্পূর্ণরূপে প্লাস্টিক এবং থার্মোকল ছাড়া আমরা করেছি। এখানে একটু প্লাস্টিক এবং একটু থার্মোকল নেই, টোটালটাই আমাদের পরিবেশের জিনিস। খড় আছে, চট আছে, তারপর মাটির কলসি, তালপাতা, শোলা, অরিজিনাল গাছে যে শোলা হয় সেই শোলা, যা দিয়ে যার ডাকের সাথে সুসজ্জিত হয়েছে মা, এইভাবেই শিলিগুড়ি সংস্কৃতির পুরো মণ্ডপ প্রতিমা সব কিছুই আমরা তৈরি করেছি। শিল্পী কোথাকার আর মায়ের প্রতিমা কোথাকার? আমাদের শিল্পী হচ্ছে বিখ্যাত শিল্পী তাপস পাল, বাগডোগরার ছেলে। প্রতিমা শিল্পী ও স্বনামধন্য শিল্পী সুশান্ত পাল। এবং সেই সাথে বলে রাখি যে আমাদের মায়ের যে সাজ হয়েছে, যে সাজটা আমরা ভুলে যাচ্ছি না, এটা হচ্ছে ডাকের সাজ, অরিজিনাল ডাকের সাজ, যেটা কাটোয়ার বঙ্কাপাশি বলে একটি গ্রাম আছে, সেই গ্রামে কেবলমাত্র এই সাজটা তৈরি হয়, যা বিশেষ করে কলকাতার বনেদি জমিদার বাড়ির পুজোতে এবং বিশেষ করে আমাদের চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজায় ব্যবহৃত হয়। সেই শ্বাসটি আমরা এখানে নিয়ে এসেছি, সেই আমরা পরিবেশটাও সেরম করছি, এই সাবেকি আনা প্রতিমা আমরা এখানে তৈরি করছি। কততম পূজা হচ্ছে? 58তম বর্ষ। কি বলবেন ভিউয়ার্সদেরকে এখানে আসার জন্য? অবশ্যই আসার জন্য বলবো, আমরা একটি থিম নিয়ে এসেছি, সেই থিমটা আপনারা উপভোগ করবেন, এবং আপনারা সকলেই আমরা প্রত্যেকবার কোনো বার্তা দিই, এবছরও বার্তাটা দিচ্ছি, সেই বার্তাটা নেবেন এবং সেটাই বলবো। এবং সেই এখন কংক্রিটের জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া সেই পরিবেশটাও আপনারা দেখতে পারবেন। সেই থিমের যুগ, থিম আমাদের আছে কিন্তু থিমের যুগে সেই সাবেকি মাকে এখানে আপনারা দেখতে পারবেন। এবং আমরা আরেকটা কথা বলি যে আমাদের প্রতিমায় বিশেষ করে আমরা এখানে সোলার সাথে সুসজ্জিত করার পিছনেও কারণ আছে। এই পরিবেশের কথা বললাম, জল দূষণ একটা বিরাট বড় কারণ। হ্যাঁ, কয়েকদিন আগে শিলিগুড়িতে একটা জল দূষণ আমরা দেখতে পেরেছি, যে আমাদের গন্ডক মহানন্দার জল দূষিত হচ্ছে, তার কারণ তো আমরা নিজেরাই, প্লাস্টিক, থার্মোকল, কেমিক্যাল জলের মধ্যে যাচ্ছে। তো একটা বিন্দু আমরা সেই প্রচেষ্টাটা করলাম, আমরা মায়ের যখন বিসর্জন হবে সেখানে কোনো থার্মোকল প্লাস্টিক যাবে না, টোনটা টোটালি লিকফ্রি কালারে তৈরি আমাদের প্রতিমা। দেখবেন কালারটা লিকফ্রি কালার, দেখলেই বোঝা যায় একটু গ্রেসটা কম থাকে। এবং প্রতিমার শ্বাসটাও হচ্ছে পুরোপুরিভাবে আমাদের সেই সোলার শ্বাস, টোটালটাই সোলার,
ছোলা কোনো ক্ষতি করে না, এটা উদ্ভিদের জিনিস, সেইভাবেই আমরা পরিবেশকেও বার্তা দিতে চাই। অনেক অনেক ধন্যবাদ। পন্ডাল এক সন্দেশ অনেক, এক পন্ডাল ইতনে সারে সন্দেশ কো লেকার তৈয়ার কিয়া গয়া হ্যায়, জিসকো না দেখনে কে বাদ আপকো সমঝ নাহি আয়েগা কি ইয়ে পন্ডাল ক্যা কুছ খাস লেকার আয়া হ্যায়। খাস উই ফোকাস অন মেকিং স্টুডেন্টস ফিউচার রেডি উইথ দ্য নিডস অফ ইন্ডাস্ট্রি বাই অ্যাকোয়ারিং স্কিলস মেক স্টুডেন্টস কম্পিটিটিভ ইন দেয়ার ক্যারিয়ারস উইথ রেলেভেন্ট স্কিলস মেকিং স্টুডেন্টস আর মোর মার্কেটেবল উইথ কোলাবোরেশন কিপ আপডেটেড উইথ ইন্ডাস্ট্রি ট্রেন্ডস ডিউরিং কোর্স স্টুডেন্টস আর আর্নিং ফ্রম দেয়ার অ্যাক্টিভিটিস ইন দি ইন্ডাস্ট্রি Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. Namaste ma'am. Dining table? Ji ma'am. आइए बैठिए मैम। सच में श्रोते बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। सच में बहू मान गए, वेरी गुड मॉम। और भी ऑप्शन है मैम। सोफा? जी मैम। श्रोते क्या सोफा है? और भी ऑप्शन है मैम। और भी ऑप्शन अवेलेबल है मैम। अभी तो लोन लेना पड़ेगा। वो भी अवेलेबल है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट में। आप बैठ कर, लेट कर, गद्दे पे उछल कर हर तरीके से देख सकते हैं। हिमालयन केन फर्नीचर, सारे ऑप्शंस खुले हैं। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenarys? Let's find out. Welcome to Glenarys in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside, and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenarys is a must visit. Glenarys, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenarys, taste the legacy. Sorry, Papa. Mera selection nahi hua. It's okay, beta. Chalo dobara mehnat karte hain. Surya hai, sukoon hai.